दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ दस्तगीर के इलाके में और ये ग्राउंड काफी मशहूर है, टी ग्राउंड। न्यू दिल्ली जावेद निहारी रेस्टोरेंट का माहौल। यानी एक निहारी में कम से कम तीन अफराद तो आसानी से खा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जावेद कमर। उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं गुज़िश्ता कई रोज़ से वीडियो अपलोड नहीं कर सका, इसके लिए आपसे माज़रत खा हूँ मैं। लेकिन इसकी वजह यह थी कि मेरी तबीयत कुछ नासाज हो गई थी, तबीयत मुनासिब ना होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अभी मेरी तबीयत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ कराची का बहुत ही मशहूर और फेमस इलाका है FB एरिया दस्तगीर। और दस्तगीर के नाम से आप समझ गए होंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मशहूर है दस्तगीर फूड स्ट्रीट में, जावेद निहारी। तो मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो जाहिर सी बात आपको पता है तबीयत की खराबी में मुँह के जायके भी बदल जाते हैं। जायके को चेंज करने के लिए मैंने सोचा आज ट्राई करता हूँ जावेद निहारी। तो जावेद निहारी की तो क्या ही बात है, काफ़ी मशहूर है कराची में, और साथ में एक्सप्लोर करेंगे जावेद निहारी के अतराफ का माहौल। तो इस ब्लॉग में वैसे एंड तक रहें और देखें दस्तगीर फूड स्ट्रीट में क्या हो रहा है। दोस्तों इस टाइम में गुजर रहा हूँ ये सामने है गुलबर्ग का राउंड अबाउट और मौसम देख सकते हैं आप। हालांकि अभी सर्दी का तो वैसा आगाज़ नहीं हुआ है लेकिन अब असरात आने शुरू हो गए, क्लाउडी मौसम है, बादल आए हुए हैं और स्मोकी, बल्कि मैं कह सकता हूँ स्मोकी हुआ हुआ है बाहर, या धुंध है, कुछ अजीब सा ही बाहर है सीन, धूप नहीं है। हालांकि इस वक्त 12 बजे का टाइम है तकरीबन, धूप नहीं है, गुलबर्ग राउंड अबाउट है ये। और यहाँ से मैं सीधा जाएगा ये रास्ता वाटर पम्प चौरंगी की तरफ, ये लेफ्ट साइड पे फ्लावर वाले बैठे हुए हैं, यहाँ पे ज़्यादातर कॉलेजेस हैं, कॉलेजेट कोचिंग सेंटर, और ये लेफ्ट साइड और राइट साइड पे मैरिज हॉल ये तोड़ दिए गए हैं, कई दर्जन इस रोड पे मैरिज हॉल है जो कि गालिबन पार्किंग का इशू है इस रोड पे, जिसके वजह से हॉल का काम यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है, ख़त्म किया गया गया तोड़ा गया है बाकायदा, दर्जनों हॉलों को तोड़ के बर्बाद कर दिया, लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ है इस रोड पे। और इस सड़क को काफ़ी बेहतर बना दिया गया है, बहरहाल काफ़ी पहले ये सड़क टूट फूट का शिकार और अभी काफ़ी बेहतर रास्ता हो चुका है ये। और अभी ट्रैफिक आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि दोपहर का टाइम है, 12 बजे का, तो काफ़ी रास्ता खुला है, क्लियर है ये। और सामने ये फ्लाई ओवर वाटर पम्प का, और वाटर पम्प से सीधा जाना है मैंने दस्तगीर के लिए। इस चौरंगी को भी काफ़ी पौधे वौधे लगा के खूबसूरत कर दिया है, काफ़ी बेहतर काम हुआ है ये, काफ़ी खूबसूरत राउंड अबाउट, वरना पहले तो कचरा कुंडी बना हुआ था, ये वाटर पम्प का राउंड अबाउट है ये। साथ में देखे चौरंगी के दोनों साइड पे मजदूर वगैरह बैठे होते हैं बेचारे रिस्क के लिए। और ये राइट पे अगर आप जाएंगे तो करीमाबाद वाली साइड पे, और मैं सीधा जाऊंगा दस्तगीर के लिए। ये बाज़ार है, वाटर पम्प का बाज़ार, और यहाँ पे देखिए कितने तादाद में मजदूर बैठे हुए हैं। और आज के कंस्ट्रक्शन का काम वैसे भी नहीं है, महंगाई इतनी है बहुत, मजदूरों के लिए भी काफ़ी परेशानी है। लेफ्ट साइड पे वाटर पम्प का बाज़ार। तो ये जनाब टी ग्राउंड, सामने मस्जिद मासूमीन और FB एरिया दस्तगीर। और इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ टी ग्राउंड के साथ, लेफ्ट साइड पे ये टी ग्राउंड, और ये रास्ता सीधा जाता है आगे जावेद निहारी की जानिब। सामने वाटर शॉप, और लेफ्ट साइड और राइट साइड पे दुकानों में आपको ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम अशिया यहाँ पे मिलेंगी। काफ़ी पुराना इलाका है ये दस्तगीर। अब ये वाले जो शॉप है यहाँ पे चप्पलों का, चप्पलों की शॉप है ये, एक दो तीन चार पांच दुकानें चप्पलों की है ये। और
सामने जो शॉप से कुछ बंद भी हैं और इस वक्त सामने जो दुकान खुली हुई है वो है वाटर शॉप फिलिंग, वाटर फिलिंग का काम हो रहा है। और लेफ्ट साइड पर चप्पलों की दुकान है। और खाने पीने का भी काफ़ी काम है यहाँ पे। और सबसे मशहूर तो है जावेद न्यारी के, तो आपको पता है कराची में काफ़ी धूम है, शोहरत है। अच्छा, राइट साइड पे फैशन बैंक, चश्मों की दुकान। यहाँ पे ये ना सिर्फ फूड स्ट्रीट है बल्कि बाजार है, हर जरूरत जिंदगी की चीज़ें मिलेंगी आपको। मास्टर फूड बिरयानी वाले हैं, ये कैटरिंग का काम है इनका। ये वाला सीन है यहाँ पे। और ये खान साहब बैठे हुए सामने, चप्पल पट्टी वाले जो होते हैं ना, मोची का काम है इनका। और ये स्वीट्स है, रॉयल स्वीट्स। तो ये चप्पल वगैरह बैग वैग की सिलाई भी करते हैं ये। ये है हलवा पूरी, लासानी हलवा पूरी एंड कचोरी। और इसके बराबर में है बीफ हलीम रवायत। खाने पीने का जोर होता है वो शाम के अवकात में, लेकिन अभी भी बहरहाल काम चल रहा है। लेफ्ट साइड पे भी है दिल्ली इस्लाम रेस्टोरेंट, न्यारी वाले हैं ये। अच्छा, ये स्वीट्स की शॉप है, काफ़ी डिफरेंट नाम है इसका, मिठास स्वीट्स। क्या बात है जनाब, मिठास स्वीट्स, बहुत ही डिफरेंट नाम रखा है इन्होंने। और इसके बराबर में बर्गर वाले, उसके बराबर में बिरयानी वाले, निम्को वाले, काफ़ी दिलचस्प माहौल है भाई। ये दिल्ली मदीना पकवान सेंटर, चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव, आलू बिरयानी 100 रुपये, हलीम भी है, न्यारी भी है, सब कुछ है भाई यहाँ पे। लेकिन न्यारी जो सबसे फेमस है वो है जावेद न्यारी। जावेद न्यारी की तो क्या ही बात है। यहाँ पे भी है आलू बिरयानी, चिकन बिरयानी 150 100, प्राइस भी मेंशन है। दस्तगीर के इलाके का माहौल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ना सिर्फ कराची बल्कि कराची से बाहर की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा, बाहर का माहौल भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। जिंदगी रही और सेहत रही तो। ये जनरल स्टोर न्यू लक्की 500 पे भाई, ये माशाल्लाह न्यू लक्की 500। और इसके बराबर में अल्लाह वाला बिरयानी, बिरयानी का बहुत जोर है कराची में भाई। कराची वालों का जो सबसे फेवरेट है बिरयानी, और सेकंड नंबर पर न्यारी। बिरयानी और न्यारी का बहुत ही जोर है। और कई न्यारी के नाम कराची में बहुत ही फेमस है, जिसमें साबिर न्यारी की भी क्या बात है, जाहिद न्यारी है, और भी कई न्यारी वाले हैं। और साथ में जावेद न्यारी का अपना ही जायका, उनकी भी काफ़ी शोहरत है जावेद न्यारी की। लेफ्ट साइड पे सुनहरी बैंक। अच्छा, यहाँ पे भाई बेच रहे मुर्ग छोले पाए, मुर्ग छोले पाए, क्या बात है मुर्ग छोले की भाई, माशाल्लाह मुर्ग छोले, क्या बात है भाई। मुर्ग छोले भी देखते हैं कैसे हैं इनके, माशाल्लाह। ये चने, चने और ये पाए, क्या बात है, पाए का सालन। दस्तगीर फूड स्ट्रीट, शाम में ज़्यादा जोर होता है पायों का, 9 से 3 बजे तक। अच्छा, इनका काम चलता है सुबह 9 बजे से 3 बजे तक। और वैसे जो यहाँ पे दीगर बारबेक्यू और जो दीगर काम है ना, उसका जोर है शाम के औकात में। और जावेद न्यारी तो खैर सुबह 11-12 बजे से इनके काम का आगाज़ होता है और रात गए तक चलता ही रहता है। दिल नशीन मिल्क सेंटर लस्सी, क्या बात है जनाब। गर्मी है कराची में, दिसंबर का आगाज़ होने वाला है, दिसंबर की आमद आमद है, लेकिन सर्दियों की आमद आमद नहीं है।
इस वक्त चिलचिलाती धूप है भाई कराची में, और मैं दस्तगीर के इलाके में वॉक कर रहा हूँ। A1 निम्को, मेहरान, दूध दुलारी, रस मलाई, लबे शीरी, और इसी के साथ है जनाब जावेद निहारी। क्या बात है माशाल्लाह। और सामने है दिल्ली शानदार हलीम एंड फूड। ये है माहौल, और अभी ट्राई करते हैं जावेद निहारी, क्योंकि कई रोज से मेरी तबीयत सही नहीं है। मैंने कहा चटपटी ट्राई की जाए, तो सोचा जावेद निहारी की वीडियो भी बनाओ और जावेद निहारी ट्राई भी करें। ट्राई भी किया गया, अभी चल। न्यू दिल्ली जावेद निहारी रेस्टोरेंट का माहौल, क्या बात है तेरी। अभी खाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के जावेद निहारी। क्या बात है जावेद निहारी की भी, काफी मेदार में देते हैं ये जावेद निहारी, यानी एक निहारी में कम से कम 3 अफराद तो आसानी से खा सकते हैं। तो ये आ गया है जावेद निहारी। अब इस पे मैंने करना है गार्निश, हरी मिर्च, अदरक का तड़का, क्या बात है भाई, और नींबू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और गर्मा गर्म नान। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ऐसे ही मज़ेदार और इलाके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। ज़्यादा चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।